महानगर मुरादाबाद के मोहल्ला फकीरपुरा और सिरकोई भुंड स्थित रेल फाटक को बिना अंडरपास बनाए बंद किए जाने की योजना के खिलाफ क्षेत्रीय नागरिकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। शुक्रवार को क्षेत्रीय नागरिक समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद ब्रजलाल जाटव एडवोकेट के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर इकट्ठा हुए और जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित अपर नगर मजिस्ट्रेट मनीष चौधरी को एक ज्ञापन पेश किया, जिसमें कहा गया कि सिरकोई भुंडू और फकीरपुरा क्षेत्र में दो रेलवे फाटक वर्षों से स्थापित है। इन क्षेत्रों में घनी आबादी है जो यहीं से होकर गुजरते हैं। ज्ञापन में कहा गया कि संज्ञान में आया है कि इन रेलवे फाटकों को रेल विभाग बंद करने की योजना बना रहा है। रेल फाटक को बंद करने से पहले जनता के हित को अनदेखा किया जा रहा है। ये फाटक बंद हो जाते हैं तो इसकी बड़ी आबादी आफत में आ जाएगी। वहीं इन रेलवे फाटकों से होकर सैकड़ों की संख्या में बच्चे स्कूल आते जाते हैं। आम व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह शाम यहीं से गुजरता है। मांग उठाई गई है कि रेलवे फाटक को बिना अंडरपास का निर्माण कराए बगैर बंद किया जाना जनहित में उचित है। आज हम लोग सबसे पहले DRM साहब से मिलने के लिए गए थे। हमारे लोगों की समस्या ये है कि जो सिरपुर भूड का फाटक है रेलवे का और एक फकीरपुरा वाला फाटक है, इन फाटकों को संज्ञान में आया है कि रेलवे प्रशासन बंद करने के लिए जा रही है। वहाँ पर लाखों की आबादी प्रभावित हो जाएगी, उसका आवागमन जो लाखों का आबादी का, उसमें बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और जो है बहुत सारे काश्तकार वहाँ से निकलते हैं, मजदूर मजदूरी करने के लिए निकलते हैं। रेलवे प्रशासन के दिमाग में एक बात है कि हमने ओवरब्रिज पुल बना दिया उधर का सोनकपुर वाला, लेकिन उस पुल से हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है, क्योंकि पुल पर हम चढ़ तो सकते हैं, एक संकरा पुल बना हुआ है हमारी तरफ से जो हम चढ़ने के लिए हैं, लेकिन उतरने का कोई वहाँ पर साधन नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि फाटक बंद करने से पहले लोगों की समस्या को सुना जाए और जो अंडर पास की व्यवस्था है वो वहाँ पर कर दी जाए। हमने अपनी मांग जो है डॉक्टर एस्टेशन जो हमारे क्षेत्र के MP हैं लोकसभा के, हमने उनसे भी कही है, DRM साहब को भी हमने बता दिया है और हम DM साहब को भी ज्ञापन देने के लिए आए हैं। साथ ही इस दौरान मोहम्मद रफी, मोहम्मद फहीम, विक्की कौशल, वसीम, यशवीर, राहुल सहित अनेक क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे।